हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द रेशियो एंड आल्सो हाउ टू इंप्लीमेंट दिस एज प्रोपोर्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट द वीडियोस एज सून एज आई अपलोड इट ऑन यूट्यूब। ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू माई वीडियोज। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो इज बेसिकली यूज्ड टू कंपेयर समथिंग। ओके, so suppose your height is 4 feet and your cousin's height is 3 feet and we have to compare them। okay, so basically how we compare them, hum log pehle kaise compare kar sakte hain, hum log basically subtract karke compare kar sakte hain। to 4 minus 3 that means the difference is 1 feet, matlab tumhara cousin tumse 1 feet kya hoga height mein less hoga। so this is comparison by subtraction। so this can be compared as a what, compare by division। so that can be written as suppose तो अगर हमें find करना है तुम्हारा और cousin का difference, that means if we have to compare the height of you and your cousin, तो हम लोग इसे division से compare कर सकते हैं। कैसे, तो अगर तुम्हारा height तू cousin height अगर compare करना है तो हमें पहले तुम्हारा height लिखना पड़ेगा, उसको हमें cousin के height से divide करना, तो 4/3। ओके, इसी को अगर हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखे, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 4:3, ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, रीड करते हैं 4:3, तो इसे ही हम लोग रेशियो कहते हैं। सो रेशियो गिव्स द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज रिलेटिव टू ईच अदर। सो ए रेशियो हैज सम गिवन दिस गिवन प्रॉपर्टीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए रेशियो हैज नो यूनिट्स। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया था 4 feet और 3 feet, तो यहाँ पे फीट और फीट था जो कि कैंसिल आउट हो जाता था, ठीक है, तो इसलिए रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली रेशियो में इन दो क्वांटिटी को हम लोग टर्म्स बोलेंगे, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो और जैसे कि फ्रैक्शन में इन दोनों का नाम होता है, पहले ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग बोलते थे डिनोमिनेटर, तो इसमें भी दो नाम है। तो एक रेशियो के फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म को हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। सो दिस प्रॉपर्टीज आर गिवेन हियर इन योर बुक, यू कैन पुट अ टिक मार्क एंड रीड देम। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 cm टू 29 cm। रिमेंबर, जैसे कि फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग इसका चेंज कर दोगे तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली रेशियो में भी इसका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म पे ही रहना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को सेकेंड में ही रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 30 to 29, तो 30 पहले है उसके बाद 20 है, तो तुम लोग पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं है तो यूनिट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी देखो, इसको तुम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जब भी हम लोग किसी भी रेशियो फाइन करेंगे तो उसे हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे तो हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर बन जाएगा 30:29। तो जब भी रेशियो में लिखना हो तो हमें रेशियो में ही लिखना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, रेशियो में जब भी तुम लोग फाइन करोगे यूनिट सेम होना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर है ना। कभी कभी हम लोग दूसरे चीजों को भी कंपेयर कर सकते हैं रेशियो के थ्रू, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम लोग यही माइंड में रखो कि हमें सेम यूनिट का चीज ही कंपेयर करना है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 cm टू 290 mm। देखो यहाँ पे एक सेंटीमीटर है एक मिलीमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। इधर तुम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करो और इधर तुम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सेम बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया है, 30 cm को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके 300 mm बना लिया गया है। तो रेशियो ऑफ 30 cm टू 290 mm कितना हो गया, 300/290। यहाँ पे कैंसिल करने पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 30/29, दैट मींस 30:29। सो नाउ एज वी नो दैट रेशियो इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन और डिवीजन। तो डिवीजन या फ्रैक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन होता है रेशियो। सो हम लोग जो फ्रैक्शन में इस्तेमाल करते थे फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे भी रेशियो में भी इस्तेमाल होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपेयर द रेशियोज 3:4 एंड 2:5। तो इन दो रेशियो को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो इन दो रेशियो को तुम लोग फ्रैक्शन में लिख लो, इन दोनों को तुम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेके डिनोमिनेटर सेम बना के वैसे भी कर सकते हो कंपेयर, लेकिन क्योंकि हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो 3:5 होता है 15 और 2:4 होता है कितना 8। तो ये वाला बड़ा है तो मतलब 3/4 बड़ा है,
ठीक है. सो दैट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5, तो इम्प्लाइज देके हमें ये फिर से रेशियो में लिख देना है, क्योंकि कंपेयर हमें रेशियो ही करना था. तो आसान है ना बहुत ही. सो हम लोग ऐसे फ्रैक्शन के जैसे ही कंपेयर कर लेंगे. सिमिलरली वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट रेशियोज एज वी आर फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो एक रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करके भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. सो अभी हम आते हैं रेशियो के असली इस्तेमाल में, जो कि है डिवाइडिंग ए गिवन नंबर इन ए गिवन रेशियो, जो कि हम लोग रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर एक तुम्हें गिवन नंबर दिया है, उसे एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, तो तुम कैसे डिवाइड करोगे. सो सपोज तुम्हें इस स्केल को 50-50 रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये कितना 50-50 मतलब आधा आधा है ना, जो 50-50 हम लोग काफी हद तक बातें करते रहे 50-50 में डिवाइड करेंगे तो आधा आधा, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर के, तो ये 15 सेंटीमीटर में आधा पार्ट हो जाएगा, है ना. तो ये तो आसान था. लेकिन अगर हमें इसे 20:30 में या फिर 2:3 रेशियो में अगर डिवाइड करना है, तो कितना कितना पार्ट होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वही हम यहाँ पे सीखेंगे. और एक बात, अगर इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो इसका पार्ट्स भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेंसिल को मुझे 50-50 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो देखो इसका एक पार्ट कितना छोटा होगा, लेकिन स्केल का 50 पार्ट कितना था, इतना बड़ा था, है ना. तो जैसे ही साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इसका रेशियोज भी ऑटोमेटिकली कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा. सो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, ठीक है. लेकिन जो यूनिटरी मेथड वाला मेथड है, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है. तो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं 2 नंबर और 3 नंबर मेथड. दैट मींस यूजिंग इक्विवेलेंट रेशियोज एंड यूजिंग सम ऑफ रेशियोज. सो लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जांपल. डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड लता इन द रेशियो 3:2. देखो 3:2 में 20 पेंस को शीला और लता के बीच में हमें डिवाइड कर देना है. मतलब यहाँ पे देख लो, शीला पहले है, तो मतलब शीला को 3 पार्ट मिलेगा और लता को 2 पार्ट मिलेगा. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो देखो ये 3 और 2 पार्ट मिलके ही 20 पेंस हो गए, है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इन दो रेशियो का सम फाइंड करना पड़ेगा. सो सम ऑफ द रेशियो कितना होगा, 3+2 कितना, 5. ओके सो इसका मतलब टोटल 5 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेगा शीला को और 2 पार्ट मिलेगा लता को. सो शीला विल गेट कितना गेट, शीला विल कितना गेट, तो शीला विल गेट टोटल 5 में से 3 पार्ट, है ना. तो 3/5 ऑफ कितना था, 20 पेंस था. ओके तो इतना पेन मिलेगा शीला को. दैट मीन्स 3/5 ऑफ मीन्स कितना, मल्टीप्लाई 20, है ना. तो 5×4=20, दैट मीन्स 3×4=12 पेंस. सिमिलरली लता विल गेट, तो लता को क्या करेगा, 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, या फिर तुम लोग सिंपली ऐसे ही इस्तेमाल करके भी कर सकते हो. तो लता को कितना, 5 में से 2 पार्ट मिलेगा, तो 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20 पेंस, है ना. तो 5×4=20 होता है, तो 8 पेंस. तो देखो 12+8 20 पेन हो गया ना. तो शीला को मिलेगा 12 पेन एंड लता को मिलेगा 8 पेन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द रेशियो ऑफ 20 pence to 70 pence. Let's do it. So as I have told you that whenever we will do ratio, the units must be same. तो यहाँ पे देखो pence pence है, तो इसे हम लोग directly कर सकते हैं. अगर unit different होती तो हम लोग इसे convert करना पड़ता. तो देखो यहाँ पे जो पहले है वो numerator में जाएगा, और जो बाद में है वो denominator में जाएगा. So 20/70, है ना. Now we have to cancel it to make it simplest form. So 0,0 cancel. So you got 2/7, okay? That means 2:7. ये रेशियो में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द रेशियो. इन बी नंबर क्वेश्चन वी हैव 220 मिलीलीटर्स टू 3.3 लीटर्स. यहाँ पे देखो एक मिलीलीटर है, एक लीटर पे है, तो यूनिट डिफरेंट है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा. तो इधर तुम लोग इस मिलीलीटर को लीटर बना सकते हो, और इधर तुम इस लीटर को मिलीलीटर बना सकते हो. तो हम लोग इस लीटर को मिलीलीटर बना देते हैं, और फिर बाद में इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं. सो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस लीटर इंटू मिली लीटर. सो 3.3 × 1000 ml. सो कितना होगा, ये डेसिमल जो है 3 स्पेस जाएगा, है ना. तो एक स्पेस गया और 2 स्पेस ml. अंडरस्टैंड. नाउ वी विल कन्वर्ट इट. सो इसे तुम लोग ऐसे लिख लो, 220 ml टू 3.3 लीटर इक्वल टू 220 ml टू 3300 ml, क्योंकि 3.3 लीटर मीन्स 3300 ml. तो अभी इसको फ्रैक्शन में लिखो, 220 ऊपर में जाएगा और नीचे आएगा 3300. अभी इसको कैंसिल करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल 0,0. ओके तो अभी दोनों को 11 से कैंसिल करते हैं. 11
टू जा 22, देन 11, 3 जा 33 एंड 0 30, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 15 जा, है ना, तो कितना बन गया 1 बाई 15, दैट मीन्स 1 इज टू 15, ओके। सो इन दो लाइन को तुम लोग नीचे भी लिख सकते हो, सो दिस इज द आंसर फॉर बी नंबर क्वेश्चन। सिमिलरली इन सी नंबर क्वेश्चन यू हैव 60 पैसे टू 2 रुपीज, तो यहाँ पे भी एक पैसे में है एक रुपीज में है, तो दोनों को सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रुपीज को पैसे बना लेंगे। तो यूजुअली हम लोग बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में, मतलब दोनों को छोटे यूनिट में ही बना लेते हैं, जो छोटा दिया होगा यूनिट क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट दिस 2 रुपीज टू पैसे, सो 2 इंटू 100 पैसे, एज 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, सो इट विल बिकम 200 पैसे। सो देयरफॉर 60 पैसे टू 2 रुपीज इक्वल टू 60 पैसे टू 200 पैसे, ये रुपीज को पैसे में लिख लो। तो ऊपर में कितना आएगा 60 आएगा और नीचे 200, है ना। तो अब इसको कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल हो गया, अभी 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, है ना, तो कितना हो गया 3/10, दैट मीन्स 3:10, अंडरस्टैंड। तो जब भी कोई डिफरेंट यूनिट रहेगा पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे और बाद में ऐसे रेशियो निकाल लेंगे, बहुत इजी है। सिमिलरली यू डू डी नंबर, सेम ही है। ई नंबर क्वेश्चन, 5 hours and 50 minutes टू 8 hours and 10 minutes, तो यहाँ पे देखो आवर एंड मिनट दो दो यूनिट दिया हुआ है, तो हम लोग पहले दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट मीन स्मॉलर यूनिट में मिनट्स में, फिर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो 5 hours and 50 minutes मतलब कितना, तो 5 hours को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, मीन्स 5 into 60 minutes, और प्लस 50 minutes भी था, है ना। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, 5 6 30 and 0, तो 300 minutes प्लस 50 minutes, तो कितना हो गया 350 मिनट, ओके। तो सिमिलरली नेक्स्ट वाले को भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 8 hours and 10 minutes को भी कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलेगा 490 मिनट। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू गिवन क्वांटिटीज, सो लेट्स डू इट। सो 5 hours and 50 minutes टू 8 hours and 10 minutes इक्वल टू, पहले ये आएगा क्योंकि 5 hours and 50 minutes में 350 मिनट था, फिर नीचे आएगा 490 मिनट, है ना। नाउ अभी कैंसिल करो, सो पहले 0 0 कैंसिल करो, फिर 7 से कैंसिल करो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो कितना हो गया 5/7, दैट मीन्स 5:7, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली एफ एंड जी आर होमवर्क फॉर यू, एफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नोटबुक है, तो डायरेक्टली रेशियो में निकाल लो, फ्रैक्शन में डाल के फिर इसमें यूनिट कन्वर्ट करके ले लेना। एच नंबर विल डू 3 weeks and 4 days टू 5 weeks and 2 days, तो इसमें भी हम लोग पहले इसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे और 5 weeks and 2 days को भी डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 3 weeks and 4 days इक्वल टू 3 into 7, क्योंकि 1 week में 7 days होता है, तो 3 into 7 days प्लस 4 days, तो 3 7 जा 21 days प्लस 4 days, है ना, तो टोटल कितना हो गया 25 days, ओके। सिमिलरली सेकेंड गिवन क्वांटिटी का भी तुम लोग डेज में निकाल लो। सो 5 weeks and 2 days को निकालने के बाद भी तुम्हें 37 days मिल जाएगा। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द रेशियो, सो राइट देयरफॉर 3 weeks and 4 days टू 5 weeks and 2 days इक्वल टू, तो 3 weeks and 4 days मतलब कितना था 25 days था, और 2 days मीन्स था 37 days, तो 25/37 हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25:37। सो दिस इज द आंसर फॉर एच नंबर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ए रूम इज 10 feet wide and 12 feet long, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ, ब्रेथ टू इट्स लेंथ, ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये जो वाइड है और ये लॉन्ग, दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ या फिर ब्रेथ और लेंथ का तो निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो पेरीमीटर का भी पूछा गया है, तो हमें लेंथ ब्रेथ और पेरीमीटर तीनों को पहले फाइंड कर लेना है। अगर हम लोग तीनों जान जाएंगे तो इनमें से हर एक को आसानी से कर लेंगे, ओके। सो लेट्स डू इट। सो राइट हियर लेंथ इक्वल टू 12 feet, ब्रेथ इक्वल टू 10 feet, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देख लो लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट है, तो ये कौन से वाले शेप में आ गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल। हाँ ये रेक्टेंगुलर शेप में है क्योंकि डिफरेंट है, तो हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, डू यू रिमेंबर, यस
2 into length plus breadth. So 2 into 12 plus 10 feet हो जाएगा, है ना? तो 2 into कितना? 22. Okay, so 44 feet. So we got the length, breadth and perimeter. So पहला question था ratio of length to breadth. तो यहाँ पे length कितना है? जो 12 है और breadth क्या है? 10 है, है ना? तो इसको cancel करो 2 से. 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. तो 6 by 5 हो गया, है ना? तो इसका मतलब रेशियो में 6 is to 5. अंडरस्टैंड? सो 2 नंबर करते हैं. सो इन 2 नंबर यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ. तो ब्रेथ ऊपर में आ जाएगा और लेंथ आ जाएगा नीचे में. तो अभी भी 2 से कैंसिल कर, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. तो कितना बन गया? 5 by 6. दैट मींस इन रेशियो 5 is to 6. ओके, सो ये बहुत इजी था. नेक्स्ट 3 नंबर में है. सो इन 3 नंबर वी हैव रेशियो ऑफ ब्रेथ टू पेरीमीटर. तो ब्रेथ ऊपर में आ जाएगा, पेरीमीटर नीचे में. तो 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 2 20 2 जा 44. तो ये बन गया 5 by 22. दैट मींस इन रेशियो 5 is to 22. सो दिस इज द आंसर ऑफ 3 नंबर क्वेश्चन. सो नेक्स्ट बिग नंबर 2B इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप एज क्वेश्चन नंबर ए. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ट्राई इट. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. इन ए नंबर वी हैव ए क्लासरूम इज 20 फीट वाइड एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ. फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द सॉरी लेंथ ऑफ द रूम टू इट्स पेरीमीटर. तो यहां पे देखो, वाइड मतलब ब्रेथ दिया हुआ है और लेंथ इसका डबल है, ट्वाइस है. तो 2 इंटू 20 हो जाएगा. सो इसे करते हैं. सो राइट हियर ब्रेथ इक्वल टू 20 फीट, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्यों, लेंथ क्या था? ब्रेथ का ट्वाइस था, मींस डबल था. सो 2 इंटू 20 फीट है ना, मतलब 40 फीट. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर एज वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स पेरीमीटर. सो लिखो पेरीमीटर इक्वल, सो पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इंटू 60 मींस 120 फीट. सो नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द रेशियो. सो राइट देयरफॉर रेशियो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर, तो लेंथ था 40 और पेरीमीटर था 120. तो इसे कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है ना. तो कितना हो गया? 1/3. दैट मींस 1:3. तो यही हो गया इसका आंसर. सो सिमिलरली बी नंबर भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. रीमा हैड 2400 स्विच ऑफ व्हिच शी डिस्ट्रीब्यूटेड 424 अमंग हर स्कूल मेट्स. पूजा है 2900 स्विच सी डिस्ट्रीब्यूटेड 620 ऑफ दिस अमंग हर स्कूल मेट्स. फाइंड द रेशियो ऑफ स्विच लेफ्ट विथ देम. सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्विच दैट आर लेफ्ट विथ देम. सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्विच आर लेफ्ट विथ बोथ रीमा एंड पूजा फर्स्ट, देन वी कैन फाइंड द रेशियो. सो लेट्स डू इट. सो यू राइट रीमा हैड 2400 स्विच डिस्ट्रीब्यूटेड 424 स्विच. Therefore, switch left with Rima equal to, तो total में से जितना उसने distribute किया उसको subtract कर दो, तो 1976 switch हमें मिल जाएगा. तो similarly, हमें next पूजा के लिए भी ऐसा find कर लेना है. So let's do it. तुम लोग भी करो इसको. So for पूजा, we will get that she will left with how much? 2280 switch. So now we have to find the ratio of these two. So right, therefore ratio of switch left with them equal to कितना होगा? 1976 divided by 2280. Now अभी हमें इसको cancel करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले इसको, क्योंकि दोनों थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको बड़े नंबर से cancel कर दो. दोनों को 8 से हम लोग cancel करते हैं, ठीक है? As both are divisible by 8. तो इसे 8 से divide करने में हमें मिलेगा 247 और इसे करने में हमें मिलेगा 285. Okay. फिर से ये दोनों क्या होगा, 19 से दोनों को डिवाइड जाता है, ठीक है? तो इसे हमें 19 से कैंसिल करना पड़ेगा. सो 19 13 जा होता है 247 एंड 19 15 जा होता है 285. सो वी विल गेट 13/15. दैट मींस 13:15. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो सिमिलरली 5 नंबर इज होमवर्क फॉर यू. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. कंपेयर द रेशियोज. तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है. तो ये फ्रैक्शन के जैसा ही सेम ही है, तो एक मैं करके देता हूँ, बाकी तुम लोग होमवर्क कर लेना. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 6 नंबर. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू
फ्रैक्शन, ठीक है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फिर हम लोग जो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं उसी तरह सेम टू सेम इसे कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल गेट 468, और नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल गेट 490, है ना। तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है तो दिस रेशियो इज बिगर। अंडरस्टैंड? वेरी इजी। सो इसी तरह तुम लोग इन सब को कंप्लीट कर ले। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव राइट थ्री इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ, सो हियर वी हैव टू राइट द इक्विवेलेंट रेशियोज। सो राइटिंग इक्विवेलेंट रेशियोज इज लाइक एज सिमिलर एज राइटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो लेट्स डू इट। सो इन क्वेश्चन नंबर 7A वी हैव 4:9। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इस टू 9 को भी, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कितना हो गया, 4:8:9:18, है ना। फिर एक दूसरा भी हमें फाइंड करना होगा, तो 4:9। सो 2 से ऑलरेडी कर लिया हम लोगों ने, तो 3 से करो अभी, इस टू 9:3। ओके, सो 12:27। नेक्स्ट अगेन यू राइट 4:9, सो इक्वल टू 4 अभी 4 से मल्टीप्लाई करो, 2, 3 और 4 से करो, इस टू 9:4। ओके, तो 4:4:16, इस टू 4:9:36, तो ये भी बन जाएगा एक इक्विवेलेंट रेशियो। सो एट लास्ट यू राइट 10:4:9 इक्वल टू 8:18, देन 12:27 एंड देन 16:36। सो ये बहुत ही आसान था। सो आई होप यू कैन डू बी सी एंड डी नंबर, सो दीज आर होमवर्क फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे देखो हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है रेशियो में, तो ये फ्रैक्शन के जैसा सेम ही है, तो इसे करते हैं कॉपी में। सो दिस इज द 8 नंबर क्वेश्चन वी हैव। सो हियर यू सी 7:9 इक्वल टू -18, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 9 जो है ये 18 बन गया है ना। सो सिंस यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 होता है, तो हमें 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7:2 का कितना होता है 14, तो यहाँ पे बन जाएगा 14। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट यू सी 42, तो 7 जो एंटीसीडेंट है वो 42 बन गया, तो 7 कितना 42 होता है, 7 6 42 होता है, तो 9 6 जितना होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो 9 6 होता है 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो कॉन्सिक्वेंट है वो 27 है, मतलब ये जो 9 है वो 27 बन गया। सो 9 3 27 होता है, सो 7 3 21, तो 21 बन जाएगा। तो ये रह गया तुम लोग का आंसर। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही आसान है, जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे वैसे ही हम लोग इसे कर लेंगे, तो करते हैं। सो इन 9 नंबर ए वी हैव 150:75, तो इसे क्या कर लो, तुम लोग पहले फ्रैक्शन में लिख लो 150/75, है ना, इसे अभी तुम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, तो तुम लोग 25 से कैंसिल करो डायरेक्टली, तो 25 6 150 होता है, एंड 25 कितना से 75 होता है, क्या तुम लोग को पता है, तो 25 3 होता है 75, है ना। तो अभी देखो 6 3 हो गया, तो ये भी तो कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो ये बन गया 2/1, है ना, 2/1 मीन्स 2:1, तो यही है 150:75 का सिंपलेस्ट फॉर्म। डायरेक्टली 75 से भी कैंसिल कर सकते हो, अगर तुम लोग को पता है 75 1 75 75 2 150, डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो सिमिलरली आई होप यू कैन डू बी सी एंड डी नंबर, सो दीज आर होमवर्क फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड एज इंडिकेटेड। सो इन 10 नंबर ए वी हैव डिवाइड ₹520 इन द रेशियो 5:8, तो हमें इसको 520 को 5:8 में डिवाइड करना था, तो इसे करने से करने में हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ द रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको। सो राइट सम ऑफ द रेशियो, तो सम ऑफ द रेशियो इन दोनों को प्लस करना होगा, जो भी रेशियो दिया होगा होगा इसे हमें प्लस करना होगा, ठीक है, तो 5 + 8, ओके 13, अंडरस्टैंड। सो दैट मीन्स टोटल 13 पार्ट्स में से हमें 5 पार्ट और 8 पार्ट सेपरेट करना होगा इस 520 रुपीज का, तो करते हैं।
therefore फर्स्ट पार्ट इक्वल, तो दो पार्ट होगा, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, देखो सिम क्योंकि यहाँ पे यूनिट है रुपीस है, तो रुपीस यूनिट हम लोग दे लेते हैं। तो देखो टोटल कितना पार्ट था, 13 पार्ट है ना, तो 13 में से फर्स्ट पार्ट में देखो रेशियो में देखो फर्स्ट में क्या है, 5 है, तो 5 आ जाएगा, तो 13 पार्ट में से 5 पार्ट, तो 5/13 ऑफ किसका, ऑफ 520, सो इंटू 520, अंडरस्टैंड। अभी इसको तुम लोग कैंसिल करो, तो 13 फोर जा होता है 52 और 0, तो कितना हो गया रुपीज़, 5 फोर जा 20 और 0, तो 200 रुपीज़ हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके तो सिमिलरली हम लोग सेकेंड पार्ट फाइंड कर लेंगे, सेकेंड पार्ट होगा कितना, टोटल में से 8 पार्ट, तो 8/13, तो लिखो सो सेकेंड पार्ट इक्वल टू रुपीज 8/13 ऑफ 520, तो इसे भी सेम टू सेम कैंसिल करो 540 से, ओके 520 को, तो कितना हो गया रुपीज 8 फोर जा 32 और 0, सो 320, तो दो पार्ट था, पहला पार्ट कितना हुआ 200 रुपीज़ और दूसरा पार्ट 320 रुपीज़, दोनों मिलके 520 भी होता है, 200 + 320 इक्वल टू 520, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, सो दिस इज द आंसर फॉर 10A। सिमिलरली यू डू बी नंबर सी नंबर एंड डी नंबर, ओके इन सी एंड डी देयर इज नो यूनिट, सो नो नीड टू गिव एनी यूनिट, यहाँ पे रुपीज देना पड़ेगा क्योंकि यूनिट दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ए प्ले हैज गर्ल्स एंड बॉयज एक्टिंग इन द रेशियो 5:3, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द प्ले इज 35, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो इस क्वेश्चन में देखो गर्ल्स कितना है दिया हुआ है 35 थे, लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, ठीक है, तो जो भी फाइंड करना है उसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो करते हैं इसको, सो राइट लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ओके तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना था इसलिए हम लोगों ने इसको एक्स समझ लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 5:3 दिया हुआ था क्या, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये 5 वाला पार्ट जो है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 वाला पार्ट बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो और दिया हुआ था कि नंबर ऑफ गर्ल्स 35 है, तो 35 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स 35, गर्ल्स का पार्ट पहले है, तो यहाँ पे भी पहले गर्ल्स वाला पार्ट आएगा फिर बॉयज वाला पार्ट, तो बॉयज वाला पार्ट तो हम लोग नंबर ऑफ बॉयज एक्स पकड़ लिया था, है ना, तो अभी इसको क्या करो तुम लोग फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है, तो 5/3 इक्वल टू 35/x हो गया, तो अभी तुम लोग इसे तो सॉल्व कर ही सकोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 5 × x होगा, तो 5x और यहाँ पे 3 × 35, सो 35 × 3 ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, फिर x इक्वल टू क्या होगा, तो इसको 35 × 3 को हमें ये 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, है ना, सभी कैंसिल करो 5 7 जा 35, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 3 जा 21, है ना, तो लास्ट लाइन लिख दो दस देयर आर 21 बॉयज इन द प्ले, सो 12 नंबर इज ऑल्सो ऑफ सेम मेथड ऑफ एज 11 नंबर, सो दिस इज 12 नंबर इज होमवर्क फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। 140 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन टू बॉयज इन सच ए वे दैट द फर्स्ट बॉय गेट्स 2.5 टाइम्स द अमाउंट द सेकेंड बॉय गेट्स, हाउ मच डज ईच बॉय गेट, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले बॉय को जितना मिलेगा उसका 2.5 टाइम्स मिलेगा दूसरे बॉय को, और टोटल मनी जो है वो है 140 रुपीज, तो इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, तो करते हैं इसको, सो यू राइट लेट द सेकेंड बॉय गेट्स एक्स एंड देयर फोर द फर्स्ट बॉय गेट्स 2.5x, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड बॉय को जितना मिलेगा फर्स्ट बॉय को उसका 2.5 टाइम्स मिलेगा, दैट मीन्स 2.5 × x, सो 2.5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो दोनों का रुपीज मिलके एक्स और ये 2.5x मिलके दोनों का मिलके कितना होगा 140 रुपीज है ना टोटल, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3.5x इज इक्वल टू 140, है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा 140/3.5, ओके अगर डेसिमल में कैंसिल कर नहीं सकते हो तो तुम लोग दोनों को 10 और 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ताकि ये डेसिमल गायब हो जाए ना, 35 हो जाएगा तो 1400 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में, तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों को हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको कैंसिल करो 5 से करो 5 7 जा 35, देन
फाइव टू जा 10, 40 हो गया, 5 8 जा 40 और 0, है ना। अभी 7 से डायरेक्टली कैंसिल जाएगा, 7 4 जा 28 और 0, तो कितना हो गया, 40 हो गया, है ना। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 40। तो अभी दोनों का अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट स्टेप, ये आंसर नहीं है, हमें इन दोनों को फाइंड करना होगा। सो यू राइट, दस द फर्स्ट बॉय गेट्स रुपीज 2.5 × 40, बिकॉज 2.5 x था, तो x का वैल्यू में 40 मिल गया, तो कितना हो गया, रुपीज 100, है ना। सिमिलरली लिखो, द सेकेंड बॉय गेट्स 40 रुपीज। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ स्टूडेंट्स, 14 नंबर इज होमवर्क फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर वेज 13 होल 1/2 kg, दैट मीन्स 13.5 kg, इफ द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इज 2:3। तो जिंक टू कॉपर, जिंक 2 है और कॉपर 3 पार्ट है इन द एलॉय, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इन ग्राम्स। तो ग्राम्स में हमें फाइंड करना था, तो पहले हम लोग इसे ही ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे टोटल को। सो यू राइट, वेट ऑफ द एलॉय इज 13.5 kg, दैट मीन्स 13,500 ग्राम। तो अभी इसको हमें 2:3 रेशियो में डिवाइड करना होगा, तो हमें सम ऑफ द रेशियो फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो लिखो। सो राइट, सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू 2 + 3 = 5। सो राइट, देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर, अच्छा यहाँ पे एक बात समझ लो, ये क्या था, जिंक इज टू कॉपर का रेशियो दिया था, तो जिंक 2 पार्ट था, कॉपर 3 पार्ट था, तो हमें सिर्फ कॉपर के बारे में पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 ऑफ 13,500, और ये ग्राम में रहेगा, तो इसे हमें फाइन करना होगा, ठीक है। तो इसे कैंसिल करो 5 से, तो कैंसिल करने के बाद ये बन जाएगा 2,700, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 8,100 ग्राम। सो दिस इज द आंसर फॉर 15 नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप एज क्वेश्चन नंबर 15। सो 16 नंबर इज होमवर्क फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.2। होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड एंजॉयड दिस पार्ट। सो नाउ यू प्रैक्टिस एंड डू ऑल योर होमवर्क। थैंक यू एवरीवन।